इस ब्रह्मांड के परम संत सतगुरु बाबा गरीबदास महाराज की 24,000 अमृत वाणी परसों से श्रवण कर रहे हैं और ग्रंथ साहब अभी संपूर्ण हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में ये सेवा का अवसर मिला। हमारी रोहतक की प्यारी संगत सतगुरु गरीबदास सेवा समिति को बड़े धन्यभागी हैं। तीनों दिन यहाँ सुंदर उत्सव सत्संग सेवा यज्ञ हवन और 24 घंटे लगातार तक यानी 48 घंटे सतगुरु जी की वाणी आपको पढ़ने को सुनने को मिली। आपके मन में विचार आता होगा क्यों बार बार जगह पर सतगुरु गरीबदास महाराज की वाणी का पाठ किया जाता है। इस ग्रंथ को पढ़ने से सुनने से क्या हासिल होगा? पहले तो आप ग्रंथ का अर्थ समझें। ग्रंथ ही शब्द से ग्रंथ बना है। ग्रंथ ही कहते हैं गांठ को, यानी जीव और ब्रह्म के बीच में जो अज्ञान और भ्रम की गांठ है उसको जो खोल दे उसको ग्रंथ कहते हैं। क्योंकि जो स्वयं लिखी जाती हैं गद्य भाषा में पद्य में मनुष्यों के द्वारा उसको पुस्तक कहते हैं। पुस्तक जो है केवल शब्दों का जाल है। अगर पुस्तकों को पढ़कर परमात्मा को ढूंढोगे तो ऐसे है जैसे जंगल में घुस गए, कुछ भी हाथ हासिल नहीं लगेगा। लेकिन इसी ग्रंथ को अगर किसी संत की दृष्टि से पढ़ा जाए तो हृदय का भ्रम अज्ञान की ग्रंथि खुल जाती है और जिस जीव की ये ग्रंथि खुल जाएगी तो यही जो पुस्तक है वो उस तक पहुंचा देंगे। अब देखो कोई भी दुनिया की पुस्तक उस तक किस तक ईश्वर तक नहीं पहुंचा सकते। पुश माने इंग्लिश में कहते धकेलना। लेकिन कोई संत भगत उस तक पहुंच गया है वो पुस्तक लेके आता है। इस पहेली को थोड़ा समझना। कोई पुस्तक उस ईश्वर तक नहीं पहुंचाती लेकिन कोई संत उस तक पहुंच गया है वो पुस्तक लेकर आता है वहां की दिव्य वाणी। और यही पुस्तक पढ़ोगे सुनोगे तुम्हें भी पुस्तक पहुंचा देगी। समझे तो ये वही ग्रंथ साहब है जो सतगुरु जी उस धाम से जो अपनी आंखों देखा लाइव था वो वाणी बोली। और ये ग्रंथ हमें पढ़ने सुनने से संत की दृष्टि से समझने से उस तक पहुंचा देगा। फिर क्या होगा? उपनिषद में एक बड़ा प्यारा श्लोक आया है, विदते हृदय ग्रंथि चिदंते स्वरो संशयाः अक्षिन्ते च अस्य क्रमाणि तस्मिन् दृष्टे प्रावरे। संस्कृत में एक श्लोक है कि जब हृदय के ग्रंथि बिंद जाते खुल जाते हैं पर से भी परे उस पार ब्रह्म का दर्शन हो जाता है, उस जीव के सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं, वो सत्य में अवस्थित हो जाता है। तो इसलिए हम ग्रंथ पढ़ते हैं और सुनते हैं। लेकिन इस ग्रंथ साहब में अनेक मार्ग बताए हैं। कुछ जीव ज्ञान के अधिकारी हैं, कुछ भक्ति मार्ग के अधिकारी, कुछ योग मार्ग के अधिकारी हैं। बाबा गरीबदास जी को सतगुरु कबीर साहब मिले तो तीनों ही मार्ग बताए, तीनों में पारंगत कर दिया। उन्होंने प्रमाण दिया गरीब ऐसा सतगुरु हमें मिला सुरत सिंध के लाले ज्ञान जोग और भक्ति सब दीनी नजर निहाले। मुझे त्रिकुटी में ऐसे सतगुरु मिले सुरत के द्वारा जिन्होंने ज्ञान योग और भक्ति अपनी करुणामयी दृष्टि डालकर ही मुझे निहाल कर दिया। कोई ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। अब दो मार्ग मुख्य हैं ज्ञान और भक्ति। इनमें अंतर क्या है?
ज्ञान में तो जीव परमात्मा तक पहुंचता है, लेकिन भक्ति में परमात्मा जीव तक आता है चलकर। आपने सीढ़ी देखी है ना, सीढ़ी जो घरों में होती काट के लोहे की बड़ी, उसे क्या करते हैं, नीचे से ऊपर चढ़ते हैं। लेकिन दो काम है, ऊपर जो हो भी तो नीचे आ सकता है, दो काम है। ज्ञान मार्ग ऐसे हैं जैसे आप नीचे से सीढ़ी से ऊपर चढ़ गए छत पर अपने प्रयास से, लेकिन जो ऊपर है वो ऊपर वाला नीचे भी उतरा सकता है। ज्ञानी परमात्मा के नाम और रूप का आश्रय लेकर इस भक्ति की सीढ़ी से परमात्मा तक पहुंचता है, लेकिन भक्त कहता है प्रभु मैं कहां इतनी ऊंचाई पर आ सकता हूं, मैं तो आपका नाम जपता हूं, क्यों ना फिर आपके नाम के प्रभाव से रूप लेके स्वयं ही उतराओ। फिर परमात्मा भक्त की पुकार से नाम और रूप का आश्रय लेकर स्वयं धरती पर उतर कर आता है। तो भगवान कहते हैं जब रूप ही धारण करना फिर एक क्यों करें, अनेक रूप धारण करें। तो परमात्माओं ने जैसी भक्तों की चाह थी, इच्छा थी, भावना थी, उसके अनुरूप अनेक रूप भक्तों के लिए इस धरती पर धरे, उनका उनको दर्शन दिया, उनके कार्य किए। क्योंकि परमात्मा तो निराकार सत्ता है, हम उसको कैसे जाने। तो एक कड़ी बनाई परमात्मा ने, गरीब साहेब से सतगुर भय, सतगुर से भय साधे, ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अग में अगाधे। साहेब माने वो निराकार परमात्मा, सतगुर माने ज्योति स्वरूप, सतगुरु जो त्रिकुटी में विराजमान है। संत का मतलब साकार रूप लेकर हम सबके बीच में अवतार धारण करना, इसका मतलब है वो निराकार सत्ता ही संत के रूप में इस धरती पर आकर हमें साकार रूप में उपदेश देती है और निराकार से जाकर मिला देती है। तो बाबा जी कहते हैं इन तीनों रूपों में अंतर नहीं है, ये तीनों एक ही अंग है। इसलिए हम अपने सतगुरु को भगवान का रूप मानकर ही उनकी भक्ति करते हैं। अब संत भी दुनिया में देखो बहुत है, और आजकल इतने सारे लोग भ्रमित भी हैं, किससे नाम दीक्षा लें, किसके चरणों में समर्पण करें, किससे उपदेश लें। भले ही कह ना पाए आप, लेकिन एक शंका में, एक संदेह में जरूर आपके भीतर भ्रम है, किस पर विश्वास करें, कहां समर्पण करें। तो संत के बाबा गिरिदास जी ने लक्षण बताए हैं, ग्रीवशील मंत साचे मते बोले मधुरे बैने, नजर निमानी नेक है चढ़े रहे सुन गैने। जिनका स्वभावशील होगा, उनका मता सच होगा, बुद्धि में सत्य होगा और मीठी वाणी होगी, उसकी नजरों में प्रेम करुणा और अधीन की बंदगी होगी, झुकी हुई नजरें होंगी, लेकिन सुरति के द्वारा हमेशा भीतर के आकाश में गमन कर रहे होंगे, ये संत के लक्षण बताए हैं। तो इसलिए आप स्वयं परख सकते हैं, आप बुद्धिमान हैं, संत की बाह्य अवस्था से भी और आंतरिक अवस्था से दोनों से पता चल जाता है। तो संसार में भक्त भी चार प्रकार के जीव हैं। तो भगवान अर्जुन को गीता में कहते हैं जो जिस प्रकार से बजता है मैं उसी रूपों में प्रकट हो जाता हूँ। कैसे, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतो अर्जुनः आर्ति जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च वर्षसभः। सातवें अध्याय का 16वां श्लोक है ये। अर्जुन चार प्रकार के लोग मुझे भजते हैं, आर्ति जो आर्त होकर मुझे पुकारते हैं, जैसे द्रौपदी ने पुकारा, जिज्ञासु जिसके भीतर जिज्ञासा जगे परमात्मा क्या है हम कैसे जाने, अर्थार्थी जो धन के लिए मुझे याद करते हैं, जैसे पर ध्रुव जी तपस्या करने गए, शुरू में तो वो राज्य ही तो पाना चाहते थे, बाद में इच्छा खत्म हो गई। और ज्ञानी जैसे सतगुरु कबीर साहब, नानक साहब, फरीद साहब, गरीबदास जी,
एक होते हैं प्रेमी और भक्त, जैसे मीरा है, प्रहलाद है, ये सारे प्रेमी भक्तों की कोटि में आते हैं। तो भगवान कहते हैं जो ज्ञानी भक्त हैं, प्रेम पूर्ण हृदय से परिपूर्ण हैं, वो मुझे प्रिय हैं, और जब पुकारते हैं तो मैं नाम और रूप लेकर वहां हाजिर हो जाता हूं। कैसे? ग्रीव त्रिलोचन के भय भरतिया ऐसी भक्ति कमाई, संतों के तो लाल फिरे हैं तीन लोक ठकुराई। इस वाणी में सतगुरु जी ने सारा प्रसंग छुपाया है। भक्त त्रिलोचन जी दक्षिण भारत में संत ज्ञानेश्वर जी के शिष्य थे, उनको नामदेव का गुरु भाई भी बोलते हैं। बड़े धनी थे लेकिन इतने धर्मात्मा, संतों की सेवा करते थे, पर थोड़ा सा दुर्भाग्य था, उनको संतान नहीं थी, दोनों पति पत्नी अकेले रहते थे, लेकिन इतनी सेवा सुबह से शाम तक तन मन धन से करते। धीरे धीरे उनकी वृद्ध अवस्था आने लगी। एक दिन त्रिलोचन जी भक्त नामदेव जी के पास गए पंढरपुर, कहने लगे आपको तो भगवान ने इतनी बार साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए हैं, एक दिन मेरे लिए भी प्रार्थना कर दे कि मुझे भी दर्शन दे दे, बहुत वर्ष हो गए हैं। नामदेव ने कहा त्रिलोचन जी मैं प्रभु से पूछकर बताऊंगा। देखो कितना विश्वास, और जब नामदेव जी पुकारते तो भगवान साक्षात उनके सामने प्रकट होते थे, बेहतर बार ऐसे प्रकट होकर दर्शन दिए। मंदिर में जाकर पूछा तो भगवान ने आदेश दिया, नामा त्रिलोचन को कहना मेरे संतों की सेवा करता रहे, मैं एक दिन उसको दर्शन दूंगा। नामदेव ने त्रिलोचन को बताया, कितने उमंग से प्रेम से भर गया, पता नहीं कब भगवान आ जाए, रोजाना तैयारी रखने लग गया। संत आते तो कहते पता नहीं संत के रूप में आ जाए, लेकिन इतनी बुजुर्ग अवस्था आ गई, संत आते कभी समय पर भोजन नहीं बन पाता, कभी बर्तन झूठे रह जाते, कभी झाड़ू पोछा नहीं कर पाते, कभी बाजार से सामान नहीं ले पाते। एक दिन उनकी धर्मपत्नी ने कहा अगर कोई नौकर मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता, संतों की सेवा समय पर हो जाती, अब बेचारे संत इंतजार करना पड़ता, कई बार चले भी जाते हैं और हम समय पर सेवा नहीं कर पाते। जब दोनों चर्चा कर रहे थे एक थैला पकड़ाया, उसकी पत्नी ने कहा त्रिलोचन जी आप बाजार से सामान ले आओ, पता नहीं आज कितने संत आ जाए। जब त्रिलोचन जी गए रास्ते में एक बड़ा मोटा तगड़ा लेकिन कपड़े थोड़े मैले कुचेले फटे हुए हैं सामने से आ रहा, कहले भगत जी कहाँ जा रहे हो? कहले बाजार में देखूंगा कोई नौकर मिल जाए तो। उसने कहा फिर मुझे रख लो, मैं भी काम ही ढूंढ रहा हूं। त्रिलोचन ने कहा क्या लोगे? अपनी मजदूरी। उन्होंने कहा मजदूरी तो छोड़ो, बस काम कर दूंगा उसके बदले भोजन करूंगा। कहने के ठीक है तो बहुत अच्छी बात, हट्टा कट्टा है। त्रिलोचन ने कहा अच्छा भोजन घर पे ही करना। कहने भोजन तो करूंगा लेकिन कितना करूंगा मुझे टोकोगे नहीं, जिस दिन टोक दिया मेरी शर्त है मैं छोड़कर चला जाऊंगा, मेरे भोजन की चर्चा कहीं भी नहीं करनी है। कहने ठीक है, अच्छा आपका नाम क्या है? कहने मेरा नाम है अंतर्यामी। कहाँ रहते हो? बस घूमता रहता हूँ सब जगह हूँ। उनको अपने साथ ले आए त्रिलोचन जी, देखा कपड़े ठीक नहीं है, बाजार से नया धोती कुर्ता उस नौकर के लिए खरीद कर लाए और घरवाली को कह दिया देखा अच्छा नौकर है खूब काम करेगा, जितना खाए भोजन करने देना, टोकना मत इसको, और इसने कहा है कहीं दूसरे को भी नहीं बताना मेरे भोजन के बारे में, निंदा कर दी तो छोड़ के चला जाऊंगा। कह लेंगे ठीक। अब वो रोजाना चार पांच शेर खा जाता भोजन, इतनी रोटी बनाती त्रिलोचन की पत्नी, हाथ से आटा पीसना पड़ता था, बेचारी थक जाती। संत बहुत आते, एक दिन पड़ोस में चली गई, उसकी सहेली ने कहा बहन तू कमजोर लगती, क्या हो गया? पीला शरीर हो गया, कोई चिंता खाई जा रही है। उसने कहा कि क्या बताऊं, वो घर में जो नौकर आया है ना, लेकिन बात याद आ गई कि चर्चा नहीं करनी किसी के आगे। कहेंगे कुछ नहीं छोड़ रही। कहेंगे नहीं नहीं बता बहन, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बात अंदर नहीं रखनी चाहिए, मैं तो तेरी सहेली हूं ना।
कहने के जो नौकर आया है वो इतना 5-6 किलो खा जाता है, इतनी रोटी बनानी पड़ती है, आटा बहुत पीसना पड़ता है। बस इतनी बात की, परमात्मा तो अंतर्यामी थे, समझ गए और खुला घर छोड़कर सब बिखरा पड़ा है और चले गए, अंतर ध्यान हो गए। त्रिलोचन जी ने आकर देखा, कल लगे वो नौकर कहाँ गया, कल लगे पता नहीं सब जगह ढूंढा खाली पड़ा है। फिर याद आया, तूने किसी के आगे उसकी चर्चा तो नहीं की, कल लगे हाँ सहेली को तो की थी, कल लगे गलती होगी ना इसीलिए वो छोड़कर चला गया। बड़े दुखी हुए, रात को भजन में बैठे हैं, प्रभु को कह रहे हैं मुश्किल से एक नौकर मिला था वो भी छोड़कर चला गया, प्रभु ने दर्शन दिया, त्रिलोचन जी वो अंतर्यामी मैं ही तो था, तेरी घर सेवा करने आया था, तेरा भाव देकर तू बुजुर्ग हो गया था लेकिन शर्त तोड़ दी। तो बाबा जी वाणी में लिखते हैं, गृह त्रिलोचन के भय भरतिया, भरतिया मतलब नौकर, भरते नौकर को कहते, ऐसी भक्ति कमाई, संतों की सेवा करके सुमरण करके ऐसी भक्ति कमाई थी, संतों के तो नाल फिरे हैं तीन लोक ठकुराई, वो तीन लोक का ठाकुर परमात्मा संतों और भक्तों के तो साथ साथ फिरता है। कैसे, जो बच्चा गौ की नजर में यो साई और संते, पीछे पीछे हरि फिरे भक्त वचल भगवंते। जैसे गाय का बच्चा होता है ना, घास चरती रहेगी लेकिन बछड़ा किधर दाएं बाएं जा रहा है उसके पीछे होती है, अपनी दृष्टि में रखती है, दिखे ना तो रमाने लग जाते हैं। ऐसे ही जो बच्चे की तरह संत भक्त बन जाते हैं, परमात्मा अपनी दृष्टि में उसको रखता है, उसके पीछे पीछे घूमता है, भले ही वो तीनों लोकों में कहीं भी चला जाए, बिना भक्ति के उस धाम में उस लोक में प्रवेश नहीं हो सकता है। जपी तपी योगी इतने इतने वर्ष साधना करके चले गए उस द्वार तक शंखों, लेकिन भीतर प्रवेश नहीं हुआ, बिना शिव के खड़े हैं। बाबा जी आगे पुराण में लिखते हैं, शंखों खड़े बिना सिर तैया, कोई न पकड़े ताकि भैया, शंखों खड़े उस द्वार के नाके पर बिना सिर के, लेकिन कोई बुझा नहीं पकड़ता है। शंखों खड़े बिना सिर गाता, कोई न बुझे ताकि बाता। हमें कितना मान होता है अपने ज्ञान का, अपने शरीर का, बल का, धन का, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, ऐसे ऐसे तो पता नहीं कितने बिना शरीर के सब मिटाकर खड़े हैं, लेकिन नंबर नहीं आ रहा है अंदर प्रवेश के लिए। शंखों जपी तपी और योगी, कोई न हमें महारस भोगी, शंखों वेद पाठ धुन होई, उस पद को कोई पाचे विरला कोई। ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनको चारों वेद संस्कृत में कंठस्थ है, लेकिन उस पद को कोई नहीं बाँच सकता, केवल संसार के वेद बाँचने तक रह गए। शंखों ने में नेम कराई, भक्ति भाव बिरले और माही। देखो सतगुरु फिर भक्ति के पॉइंट पर ही आ गए कि कितने कितने आचार विचार नेम धर्म करने वाले शंखों हैं, लेकिन एकाध बिरला है जिसके हृदय में प्रेम भक्ति है, और मानी हृदय में। तो भक्ति परमात्मा को प्यारी है, भक्ति मिले उसको संभाल के रखना, अहम ना आ जाए, अहंकार ना आ जाए, कहीं भक्ति को ठेस ना लगे, खंडित ना हो जाए, क्योंकि शुरू शुरू में हम भक्ति में लगते हैं, विरह में रोते हैं, सत्संग प्यारा लगता है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा विकार आ जाता है, हमारी भक्ति खंडित हो जाती है। कैसे संभाल कर रखनी है भक्ति, गरीब जैसे माता गर्भ को राखे जतन बनाए, ठेस लगे तो चिन्ह हो ऐसे भक्ति दुराए। जब गर्भवती माता होती है तो 9 महीने खाना पीना सोना चलना हर चीज कितना संभल के करती है कि कुछ भी हो गया, मैं गिर गई या हड्डी टेढ़ी होगी तो बच्चे पर कोई ठेस ना लगे, इतने जतन से रखती है बच्चे को। इसी प्रकार आपके हृदय में भक्ति पैदा हुई है तो इसको जतन से गर्भवती माता की तरह रखना, संभाल कर कहीं ठेस ना लग जाए। तो जो भक्त फिर इस स्वभाव में, इस भाव में रहने लग जाता है, तो एक दिन वो वस्तु वो सार उसके हाथ लग जाता है। ग्रीवशील संतोष विवेक बुद्धि दया धर्म एक तारे,
अकल अकीन ईमान रख गौवस्तु निज सारे। कहेंगे ये लक्षण पकड़ लेना भगत बन के, शील स्वभाव, मन में संतोष हो, बुद्धि में विवेक हो, हृदय में दया हो, जीवन में धर्म हो, परमात्मा पर विश्वास हो, अकल हो, यकीन हो, तो वो वस्तु आपके हाथ आएगी। तो ऐसे गुण हमारे अंदर संतों की संगत से आ सकते हैं। ये मन इस संसार में कहीं नहीं पलट सकता है, अगर पलटेंगे तो ये संत ही पलट सकते हैं, बाकी कोई नहीं पलट सकता है। जो मन पलटत है लोहा पारस हो गया, मिल पारस सत्संग, और यो मन पलटत है नहीं साधों के सत्संग। एक जड़ वस्तु है लोहा, वो भी पारस के संसर्ग में आने से कंचन बन जाता है, लेकिन कई बार अगर हमारा मन जो है अच्छा नहीं है, दुर्बुद्धि है, हम विकार भरे हुए हैं, तो यहाँ बैठकर भी नहीं बदलेगा, केवल बैठने से नहीं बदलेगा। सत्संग में नहीं बैठना है, सत्संग को अपने भीतर बिठाना है। सत्संग में तो हम सब बैठते हैं, लेकिन किसी विरले के अंदर ये गुण आ जाते हैं कि सत्संग उसके भीतर बैठ जाए, तो परमात्मा फिर ऐसे दयावान, ऐसे धर्मशील पुरुष पे कृपा करते हैं। कैसे कृपा करते हैं? बड़े बड़े चमत्कार घटित हुए इस धरती पर। गरीब भवन तेग थी काट की, जैसे चमक्या बीजे, ओटन हारा को नहीं अवध अलख चीज। निश्चय के अंग में सदगुरु देव जी ने एक प्रमाण दिया कि चित्तौड़ में जिस समय उदय सिंह राणा थे, उनके सामंत थे मोहन सिंह राजपूत चौहान, 2 लाख की नौकरी उनके राज्य में करते थे, और राजा उन पर बहुत विश्वास करते थे क्योंकि वो धर्मात्मा थे, वो संतों की संगत में जाते थे। उसने भवन सिंह ने देखा था कि इस राजघराने में कितनी सुंदर मीरा जैसी बहू बनकर आई है, तो वो भी सत्संग में बैठते थे। एक दिन राजा के साथ शिकार करने गए, घोड़े पर बैठे थे, एक हिरणी भागी जा रही थी, उसने जोर से तीर मारा, हिरणी मर गई, लेकिन गर्भवती थी, उसका बच्चा भी मर गया। जब पास जाकर उठाने लगे तो भवन सिंह को इतनी दया आई कि देखो बेचारा निर्दोष प्राणी था, अरे थी गर्भवती, मैंने तो बहुत बड़ा जुल्म कर दिया, पाप कर दिया, हे भगवान इस धर्म का बदला मैं कैसे दूंगा। हृदय पसीज गया भवन सिंह का, उस दिन बैठकर जंगल में रोने लग गया, किसी को नहीं बताया क्या किया। जो उसके पास तलवार थी, धनुष बाण था तो फेंक दिया, और तलवार भी मारी थी उसको, दूर से तीर मारा था, पास जाके तलवार मारी थी, बच्चा पेट कट के बाहर निकल गया था, तो उसको पता चला था। उसने सोचा आज के बाद मैं लोहे की तलवार नहीं रखूंगा, अगर बिल्कुल मैंने फेंक दी तो राजा पूछेगा, फिर मुझे नौकरी से निकाल देगा, हो सकता सजा दे दे। उसने जंगल में लोहे की तलवार फेंक दी और एक काठ की तलवार एक बढ़ई से बनवा के अपनी म्यान में डाल ली, ताकि बाहर दिखता रहे कि हाँ भवन सिंह के पास रक्षा करने के लिए, क्योंकि मैं मंत्री हूं, सामंत हूं, तलवार है। एक दिन वो म्यान से तलवार निकाल के साफ कर रहा था, किसी सैनिक ने देख लिया, अरे ये तो नकली तलवार है काट की। उसने गुप्त रूप से जाकर भवन उदय सिंह को, राणा को बता दी, आपका जो सामंत है ना ये आपकी रक्षा नहीं कर सकता, काट की तलवार देखी मैंने, कहीं संकट आ गया जंगल में, किसी दुश्मन ने चढ़ाई कर दी, कोई राजा आ गया, उसमें बार बार अकबर चढ़ाई कर रहे थे, तो आपकी हार हो सकती है, मरवा सकता आपको। लेकिन उदय सिंह ने विश्वास नहीं किया, वो बार बार कहता रहा। फिर एक दिन उत्सव रखा, सारे के सारे वीर योद्धा बुलाए, भोज रखा, फिर खड़े होकर उदय सिंह राणा कहने लगे, देखो मेरी कितनी लंबी तलवार है और कैसी चमक रही है, दुश्मन हमला नहीं करता, कर सकता मैं काटता चला जाऊं, अब आप अपनी अपनी तलवार भी दिखाओ। उदय सिंह राणा बारी बारी से एक एक वीर योद्धा की तलवार देख रहे हैं, और आपको पता महाराणा प्रताप की 18 हाथ की खड़ग थी, जिसका बहुत ज्यादा वजन था, क्योंकि बड़े लंबे तगड़े थे, उसी कुल का उदय सिंह के जो पुत्र हुए, ऐसे ऐसे वीर हुए थे,
तो सबने दिखाई, जब मोहन सिंह का नंबर आया मन में आया आज पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि म्यान में लोहे की नहीं काठ की तलवार है, राजा सजा ना दे। भगवान को याद करने लगे, प्रभु मेरे अंदर दया आई थी, अब आपकी मर्जी, जैसे लाज आपने रखनी है आपके हाथ में, चाहे मरवा चाहे बचा। जब अंतिम पंक्ति में गए, मोहन सिंह का नंबर आया, म्यान में से खींचने वाला था और सच बताने वाला था, क्या कि मेरी तलवार राजन दार की है, लेकिन भगवान ने उसका शब्द उलट दिया, मुंह से निकल गया, राजन मेरी तलवार सार की है, सार माने लोहे की है। शब्द उलट गए, मोहन सिंह ने नहीं समझ पाया, और जैसे ही म्यान से तलवार निकली, बिजली की तरह चमकने लगी, पूरा दरबार प्रकाश से भर गया, आवाज हुई टंकारी तलवार, सब हैरान, आंखें चुनी आ गई सबकी, इतना प्रकाश कहां से आया, हथियो काट की तलवार। तो बाबा जी प्रमाण सुनाते हैं, गृह भवन तेग थी काट की, तेग माने तलवार, भवन सिंह चौहान की जो तलवार थी वो काट की थी, लेकिन जैसे चमक्या बीज, बीज माने बिजली, जैसे आकाश में बादलों में बिजली चमकती है तो एक पल के लिए आपकी आंख बंद हो जाती है ना, इतना प्रकाश धरती को छू के जाती है। ओटन हारा को नहीं, उस राज दरबार में उस प्रकाश को सहन करने वाला को नहीं था, क्यों? क्योंकि वो प्रकाश अवगत अलग अच्छी, उस अवगत परमात्मा का प्रकाश उतरा था, उसको कौन सहन कर सकता है। फिर घटना घटी, सदगुरु जी उसी भवन सिंह का दूसरा प्रमाण सुनाते हैं, मीरा चित्तौड़ छोड़ गई थी, भवन सिंह थोड़े दुखी रहने लगे थे, सत्संग नहीं मिल रहा है। राजा ने कहा, भवन सिंह अब मैं आपको घर बैठे 4 लाख पैसे दूंगा, आपने चाकरी करने नहीं आना, आपको पूर्ण भगत हो, मैं आपको रिटायर करता हूं, भक्ति करो भजन करो भगवान का। भवन सिंह चले गए, मीरा वृंदावन से द्वारका चली गई, उदय सिंह ने 100 ब्राह्मणों को भेजा और भवन सिंह को कि जाओ मीरा को लेकर आओ, अकाल पड़ गया है और संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जब लेने गए तो मीरा ने गिरधर से प्रार्थना की, प्रभु मैं आपकी हो गई, वापिस ले जाओगे। सब ब्राह्मणों को मना कर दिया, कह लगे मैं एक बार दर्शन कराऊं अंदर। अंदर जाकर मीरा गई तो प्रेम में पूरी तो होकर गाती गाती ठाकुर में समा गई, तारे सहित मंदिर में घूमते रहे सभी पुजारी ब्राह्मण। जनरेटर के पास एक सेवादार खड़ा हो जाए, तो सारे मंदिर में ढूंढा लेकिन मीरा नहीं मिली, बाहर आकर कहने लगे भी मीरा तो नहीं है मंदिर में, कहां से किस दरवाजे से निकल गई, लेकिन सारी पड़ी थी भगवान की मूर्ति पर, तो सबने कहा भी वो तो मूर्ति में समा गई। उदास होकर सारे ब्राह्मण और भवन सिंह वापिस आ गए और कहने लगे भी तुम मीरा को नहीं लेकर आए, कह लगे मीरा तो पत्थर में समा गई, ऐसी घटना हो गई। भवन सिंह के मन में थोड़ा सा संशय रह गया था, तो राजा ने कहा भवन सिंह तू भी घोड़ा लेकर गया था, मीरा की रक्षा नहीं कर पाया, कहीं दाएं बाएं चली गई हो, लेकर क्यों नहीं आई, कह लगे पत्थर में क्या समा गई या आकाश में उड़ गई, ऐसी क्या लीला होगी भगवान की। तो पता क्या, भवन सिंह घोड़े पर बैठा था, क्या लीला हुई, गरीब भवन गमन गगने किया, घोड़े सदा लगा में सुम श्री साहेब मिले बच्ची लोह लगा में। जब घोड़े पर बैठा था ना, परमात्मा ने अपनी लीला दिखाई, भवन सिंह कहने भी ये घटना हो सकती है, जब तलवार में उतराए तो कुछ भी असंभव नहीं है। राजा ने कहा फिर क्या आकाश में चली गई वो, कहने लगी हाँ जा सकती है। इतने में घोड़े पर बैठे हुए भवन सिंह का घोड़ा आकाश में चला गया, भवन सिंह को लगाम पकड़ी नहीं थी और पद में समा गया, कहते हैं उस परमात्मा का दर्शन हुआ आकाश में। कैसे परम पद पाया, राग आसावरी में फिर सतगुरु लिखते हैं, भवन गमन सुन में किया घोड़े दाग दगाए, गरीब दास अगम अनुरागी पद मिल पद समाए। वो अगम अनुरागी परमात्मा
आप ये बताओ क्या छोटी घटना है। सतगुरु गरीबदास उनके समकालीन नहीं थे, लेकिन गरीबदास महाराज की ब्रह्म दृष्टि दिव्य दृष्टि थी, और सारे अगले पिछले जितने भी संत भगत इस सृष्टि में हुए हैं बंदी छोड़ने मोतियों की तरह इस वाणी में पिरो दिए हैं, इतने सुंदर प्रमाण है। इसलिए वो ग्रंथ है ये जो ग्रंथ ही खोल देता है, जो हमारे संशय और भ्रम और अज्ञान को दूर कर देता है। मैं आपको बता रही थी क्यों कहते हैं इसको ग्रंथ, लेकिन भक्ति कौन कर सकता है। कबीर साहब जी समझाते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। कामी व्यक्ति क्रोधी हो, लालची हो, अहंकारी हो, बहुत ज्यादा मोहग्रस्त व्यक्ति है, वो भक्ति नहीं कर सकता है। जाति पाति धर्म संप्रदाय मत पंथ इन सबसे ऊपर उठकर जो निरपेक्ष भाव में निष्काम भाव में आ जाएगा, जो सब जीवों के अंदर परमात्मा का स्वरूप देखने लग जाएगा, उसको भक्ति कर सकता है। इसलिए भक्ति से परमात्मा मिलता है, लेकिन इतनी आसान भी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, या किसी भी पंथ का हो, प्यार हो, भक्ति हो, वो परमात्मा को पा सकता है। उसको ही हम खुदा कहते हैं, रब कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ये सारे के सारे नाम उसी के हैं। क्यों? उसके वो निराकार है, अनेक नाम है। उसी कड़ी पर फिर आओ, मैंने कहा था भगवान अनेक रूप और अनेक नाम लेकर आता है, क्योंकि वो अनामी है। भक्तों ने अपनी भावना से उसके नाम रख दिए, जैसा रूप चाहा वैसे दर्शन दिए। फिर एक प्रमाण और दिया सतगुरु जी ने अचला के लास्ट में, अचला के ग्रीव घोड़ा जोड़ा सेत है, सेते ताई पलाने सतगुरु को काटे जहां दीना अर्श विमान है। गरीब है कोई तुर पाड़ी पर चढ़ा, मूसा मांग दीदारे आधा पर्वत जर गया आधा कम पे यार है। आप ग्रंथ साहब पढ़ोगे तो मूसा की कहानी आएगी। ये हजरत मूसा मिस्र देश में एक बादशाह थे फिरौन। जब यूसुफ के संताने यूसुफ चल मर गया, उसकी जो संतानें थी वो सिंहासन पर बैठे। यूसुफ बहुत सुंदर इंसान था, और जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, प्यार मीठा बोलता है, सील स्वभाव में रहता है, उसका भगवान सुंदर रूप देते हैं। तो यूसुफ बहुत सुंदर थे, दुनिया के सबसे हैंडसम व्यक्ति माने जाते हैं। फिरौन जब उनके सिंहासन पर बैठा, लेकिन थोड़ा दुरात्मा था, अत्याचारी बन गया। उस देश में इरबानी रहते थे, इरबानियों की संख्या बढ़ती जा रही है, कभी ये मेरे राज्य को छीन ना ले। तो इरबानियों की जितनी संतान पैदा होती, खासकर लड़के, उनको मरवा देता था। देखो कैसा रहस्य सतगुरु ने वाणी में छुपाया, लेकिन उनकी बेटियों को बचा लेता था। वहीं पर मिस्र में ही एक इरबानी व्यक्ति था जिसके संतान पैदा हुई, और उसका नाम रखा मूसा, जिसको हजरत मूसा कहते हैं। उसने सोचा मैं इसके अत्याचार से कैसे बचाऊं, ये तो बेटों को मरवाता है। पति पत्नी ने टोकरी में रख के एक झाऊ के पेड़ के नीचे जंगल में रखा है, संयोग वश कि ताकि ये बच जाए। उस फिरौन राजा की बेटी जंगल में घूमने गई थी, उसने देखा कोई बच्चा है पेड़ के नीचे, वो उठा लाई कि बड़ा प्यारा बच्चा, महल में ले गई, उसका पालन पोषण करने लगी, बड़ा प्रेम करने लगी। वो बड़ा हुआ, उसको पढ़ाया, विद्वान बना दिया, उसका गोद लिया, पुत्र भी कहते हैं। जब 40 वर्ष तक वहां मिस्र में रहा, तो वो अत्याचार कर रहा था उस समय फिरौन, एक मिस्री व्यक्ति को मरवा दिया इसने, इरबानियों के साथ मिलकर मूसा ने। वो और भी चिढ़ गया, तो खुदा ने मूसा को आदेश दिया, मूसा तू इरबानियों को लेकर और कुआन चला जा दूसरे देश में। वो मिस्र छोड़कर जब 40 वर्ष की आयु थी कुआन में चला गया,
वहां पर फिर खुदा ने कहा कि जितने इरमानी हैं उनको बचा कर ला। वहां उनका विवाह हो गया, 40 साल तक जहां विवाह हुआ अपने ससुर की भेंट चढ़ाता रहा था 40 वर्ष तक। अब आयु हो गई थी 80 वर्ष की मूसा की। वापिस फिर आया मिस्र में खुदा के आदेश से, लेकिन फिर उन्होंने देखा तो फिर आ गए। इन सब इरमानियों को देश निकाला दे दिया जाए, तो मूसा को कहा जितने इरमानी हैं सब देश छोड़कर चले जाओ, बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष 3 लाख संख्या लेकर मूसा मिस्र को छोड़कर जा रहा था। अब फिर उन्होंने सोचा ये सारे चले गए नौकर चाकर, हमारी चाकरी कौन करेगा, उनका पीछा किया या तो उनको मार दे या वापिस ले आए। अब 8 लाख की सेना लेकर फिर उन पीछे गया, मूसा को पता चला ही तो मारने आ रहा है, मेरे पास सास कितने वृद्ध हैं बूढ़े हैं बच्चे हैं अत्याचार करेगा। जब वो लाल समुद्र के पास पहुंच गया 3 लाख का बेड़ा लेकर मूसा, तो सोचा दोनों तरफ 2 पहाड़ी हैं और बीच में सागर पड़ता है, हे खुदा हे अल्लाह हे रब हमारी रक्षा करे, कितने छोटे छोटे बच्चे स्त्री पुरुष बुजुर्ग हैं, मैं कैसे बचाऊंगा। परमात्मा ने खुदा ने आकाशवाणी की, हजरत मूसा एक मोगरा ले और समुद्र के बीच में मार दे। मूसा ने मुगदर लिया समुद्र के बीच में मारा, समुद्र बीच से फटके पानी दोनों दिशाओं में पहाड़ की तरह खड़ा हो गया, पानी बीच से समुद्र फटा और पानी ऐसे जैसे 2 पहाड़ खड़े हैं और बीच में सूखा रास्ता कर दिया सागर के। और मूसा ने देखा अरे खुदा ने मेरी इबादत मेरी बंदगी स्वीकार की, रोने लग गया। सारे 3 लाख को लेके पार गया और जैसे दूसरी साइड गया फिरौन आने लग रहा था, ए खुदा अब इनको भी रास्ता मिल जाएगा, ये 8 लाख की सेना लेकर आ रहा है हमारा पीछा कर रहा है। खुदा ने कहा मूसा दोबारा फिर सागर में मुगदर मार जा सूखा है, मारा मुगदर जो पानी दोनों साइड पहाड़ की तरह खड़ा था फिर से वो पहाड़ पानी बन गया, फिर दरिया बहने लग गया। अब सारी सेना फिरौन की 8 लाख वही खत्म हो गई और वो इजराइल चला गया। वहां पर जब लाल पर्वत जब एक पहाड़ी पर सीना पर्वत पर पहुंचा सारे बेड़े को लेकर परमात्मा को खुदा को याद कर रहा है, तो वहां पर एक अलग पहाड़ी थी जिसका नाम था कोहेतूर, जिसका संगुर ने वर्णन किया है ग्रीम कोहेतूर पहाड़ी पर चढ़ा मूसा मांग दीदारे आधा पर्वत जर गया आधा कंपे यार। जब उस कोहेतूर पहाड़ी पर मूसा चढ़ा, हे खुदा तेरी आवाज तो मैं सुनता हूँ, तू आज्ञा देता कर करता चला जाता हूँ, एक बार अपना नूर भी दिखा दे तू कैसा है। कहते हैं आसमान से लेकर पहाड़ी तक इतना प्रकाश उतरा उस कोहेतूर पहाड़ी पर, उसकी आंखें चुभी आगे देखा प्रकाश ही प्रकाश पहाड़ी से लेकर आकाश तक एक है। मूसा ने दीदार मांगा परमात्मा का, लेकिन वो प्रकाश परमात्मा का पर वो पहाड़ भी सहन नहीं कर पाया, आधा पर्वत जल के राख हो गया कोयले बन गए और आधा पर्वत कांपने लग गया जैसे सृष्टि में कोई भूकंप आएगा। फिर सतगुरु जी वाणी में लिखते हैं गृह मूसा भाग्या तेज से ऊपर होकर हाथ पड़ा चमक का तेज का मुट्ठी बंधे जाते हैं। कह लगे ये लोप ना हो जाए मैं इस प्रकाश को ग्रहण कर लूं, जैसे हम कोई अच्छी चीज देखते पकड़ना चाहते हैं मैं इस खुदा को पकड़ूं। उस पे जब चमक लगी झमका लगा तो मुट्ठी बंद कर ली, खुदा मेरे मुट्ठी में आ जाए जाए ना। और फिर भाग्या पहाड़ी से उतर के रोया रोया कांप रहा है, ये क्या परमात्मा का नूर उतरा आधा पर्वत जल गया ये कांप रहा है, तो नूर लेके भाग रहा है लोगों को बताऊं दुनिया में। लेकिन थोड़ा सा मन में बड़ा सा मान आ गया कि देखो इस सृष्टि में मैं कितना सौभाग्यशाली, मैंने खुदा देखा मैंने साक्षात देखा मेरे सामने प्रकट हुआ मैं प्यारा हूं शायद। जब भाग्या जा रहा था नीचे आया तो बाबा जी वाणी लिखते हैं ग्रीम कोहेतूर पहाड़ी जर गई सुरमा भया पसाने आधा
पीछे पहाड़ से नीचे एक गडरिया शिला पर बैठा था, वो भेड़े चराता था, लेकिन आसमान की तरफ उसका मुंह है, हाथ जुड़े है, रो रहा है। और क्या बंदगी कर रहा है, खुदा तू कितना अच्छा है, लेकिन तू कब मिलेगा, हम तो सब या धरती पर इकट्ठे रहते हैं, तू तो अकेला रहता है, तेरा मन कैसे लगता होगा। जब तू आएगा ना मेरे पास, मैं तुझे भेड़ों का दूध पिलाऊंगा, तेरे बाल उलझे हुए होंगे वो सुलझ जाऊंगा, शरीर के कपड़े मैले हो गएंगे वो धोऊंगा, स्नान कराऊंगा, फिर आपके सोने के लिए सेज बिछाऊंगा, फिर मैं धीरे धीरे होले से चरण दबाऊंगा, आपको नींद आ जाएगी। रो रहा है, इबादत कर रहा है। मूसा ने देखा कैसा पगला आदमी है, परमात्मा कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कह रहा है, ये तो ही कर रहा है। उसको कहा ऐसी बंदगी नहीं, खुदा ऐसा नहीं है जो तू कह रहा है, बंद करिए प्रार्थना, ये बंदगी, खुदा तो मैंने देखा है कैसा है, देख मैं मुट्ठी में उसका नूर भर के लाया हूं। अगले दिन कहने लगे फिर कैसे करनी है बंदगी, मैं तो अनपढ़ हूं, जैसे सिखाई वैसे करने नहीं आई, क्योंकि मूसा विद्वान भी था। वो बैठ गया, रोने लग गया, प्रभु मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, कैसे बंदगी करूं आपकी, रोता रहा याद करके। अगले दिन मूसा फिर पहाड़ी पर दर्शन करने गया, रोजाना नूर दिखाई देता था, उस दिन नहीं दिखाई दिया। मूसा ने कहा प्रभु आज क्यों नहीं आपने पहाड़ी पर आना, रोजाना आपको दर्शन दूंगा मैं नूरी रूप में, आज क्यों नहीं दिया। आकाशवाणी दी, मूसा तू ही इस धरती पर मेरा भक्त नहीं है, जो नीचे पहाड़ से नीचे शिला पर बैठा था ना भगत, वो मेरी बातें कर रहा था, मैं वो सुन रहा था और मुझे उसकी बंदगी अच्छी लग रही थी, तूने बीच में जाकर उसको हटा दिया, मेरे से नाता तोड़ दिया, वो बेचारा सारी रात से रो रहा है, तू जाकर उसे माफी मांग और ये कह जैसे तेरी बंदगी तू जिन टूटे फूटे शब्दों में कर रहा था वैसे ही कर, वही परमात्मा को प्यारी है। मूसा बिना दर्शन के नीचे उतरा, उस बंदे के पास जाकर क्षमा मांगी कि भाई जैसे तू बंदगी कर रहा था वही ठीक है। तो सदगुरु जी फरमाते हैं मूसा भाग्या वहां से, जग में रामत कीन, एक बंदा बैठा शिला पर ध्यान धरे दूरबीन, यानी परमात्मा से ध्यान लगाए हुए था, बाकी उसको ये नहीं पता था कैसे ध्यान करना है, बस बंदगी थी, प्रेम से पुकार रहा था। तो जो आजीज हो जाता है परमात्मा उसको दर्शन देते हैं। तो बाबा जी फिर आगे वाणी में लिखते हैं, ग्रीवाधी ने के राग है आजीज अगल अजात, मूसा महला सो चढ़े साई जे ही दाते। जब आजीज उनके बन के आश्रय हो जाओगे तो मूसा की तरफ फिर दोबारा महलों में चढ़ोगे, परमात्मा के घर में प्रवेश होगा, उसका दर्शन होगा। इसलिए कोट यज्ञ अश्वमेध से नहीं हुए दीदार, आधीन की और बंदगी से छिन में उतरे पार। जैसे कि कल प्रभु पूज्य गुरुदेव जी ने कितना सार शब्दों में भावपूर्ण ज्ञान पूर्ण भक्ति में प्रवचन सुनाया था कि करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करके भी हम परमात्मा को नहीं पा सकते, लेकिन जिसके अंदर आधीन की आ गई, बंदगी नम्रता आ गई, तो परमात्मा एक पल में उसको दर्शन दे देता है। ग्रीब आजीज मेरे आसरे, मैं आजीज के पास गैल गैल लाग्या फिरूं, जब लग धरनी आकाशे, कि जो मेरे आश्रित हो जाता है वो मैं उसके पीछे पीछे रहता हूँ, जब लग धरती और आकाश रहेगा। इसलिए सुरो धर्मान प्रीतज्य माम एकम सतम ब्रज है, यही भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन, जो सब धर्मों को आश्रय छोड़कर जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है मैं उसको प्राप्त हो जाता हूं। तो समय काफी हो गया, वैसे तो ये ग्रंथ तो सदगुरु जी की दिव्य वाणी से भरा पड़ा है, पूरे जन्म जीवन लग जाए, हमारी तुच्छ वाणी इसका वर्णन नहीं कर सकती है, बंदी छोड़ के थोड़ी सी भी रहस्य को हम स्पर्श नहीं कर पाते हैं, इतना सार इसमें भरा हुआ है। मूसा का भी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा प्रसंग सुनाया है, इसी प्रसंग में 5-6 कथा और मूसा की छिपी हुई है, फिर कभी सदगुरु समय देंगे उसमें वर्णन करूंगी। और अभी एक भोजन बोलूंगी, साथ साथ बोलूंगा सारी दुनिया।